छाता तहसील मुख्यालय पर तहसील की अकर्मण्यता व भ्रष्टाचार के विरोध में बार एसोसिएशन द्वारा किए जा रहे आंदोलन और धरने के 14वें दिन सभी अधिवक्ताओं ने न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय के सामने एकत्रित होकर तहसीलदार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और एक जुलूस निकाला। यह जुलूस पूरे तहसील परिसर में होता हुआ उप जिलाधिकारी न्यायालय के सामने धरना स्थल पर पहुंचा। बता दें कि जिलाधिकारी से मुलाकात होने पर उन्होंने छाता बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों से तहसीलदार का स्थानांतरण मुड़िया पूर्णिमा मेले के बाद किए जाने का वायदा किया था, लेकिन जिलाधिकारी अपने वायदे पर खरे नहीं उतरे। वहीं तहसीलदार छाता ने छाताबार के अधिवक्ताओं को जवाब देते हुए कहा कि मेरे से गलत काम करवाने के लिए नाजायज दबाव बनाते हुए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अधिकारी को तत्काल हटा दिया जाता था, परंतु अब तो ऐसे अधिकारी भ्रष्ट अधिकारियों को जमाए रखना और उनको सपोर्ट करना आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति ये है, धरना प्रदर्शन चल रहा है, आंदोलन चल रहा है और अब तो वकील उस स्थिति में आ गए कि FIR वकीलों के खिलाफ हो तो हो, हमको जिस हद तक जाना पड़ेगा उस हद तक जाएंगे और हम इस तहसीलदार जब तक चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक ये तहसीलदार हट नहीं जाता। इसकी सूचना बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को भी दे दी गई है। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने हमसे कहा है कि आप 4 दिन का धैर्य रखें, 4 दिन में हम जो है मुख्य सचिव साहब से और उच्चाधिकारियों से वार्ता करते हैं, उसके बाद धरना प्रदर्शन पूरे प्रदेश में करने का आह्वान किया जाएगा। ये बार काउंसिल ऑफ उत्तर भाई बताएं क्या कहना चाहेंगे? आज तहसीलदार साहब ये कहते हैं बहुत ईमानदार, तहसीलदार साहब एक भी ये फाइल बता दें बैनामे के दाखिल खारिज की कि मैंने बिना पैसे के कोई फाइल की है। हिंदू धर्म के मानने वाले आस औलाद ईमान धर्म गंगा जली उठा करके कह दें कि मैंने इतनी फाइलें बिना पैसे के की हैं। एक बात, दूसरी बात कहते हैं मैं ईमानदार हूँ, मैंने ईमान भ्रष्टाचार पर कंट्रोल किया है। मैंने एक उन्होंने एक वीडियो जारी किया था तो मैंने भ्रष्टाचार में सुधार किया है, भ्रष्टाचार नहीं होगा। तो मैंने उसका एक जवाब प्रश्न किया था, उनसे उसका उत्तर मांगा था कि आप ये बता दें कि ये जो प्राइवेट कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको कौन से फंड से तनख्वाह मिल रही है। आज तक तहसीलदार साहब का कोई जवाब नहीं आया है, ऐसी स्थिति में हम लोगों को धरना देना पड़ रहा है। DM साहब से मिले, उन्होंने आश्वासन नहीं बल्कि वायदा किया था, लेकिन कौन सा उनके ऊपर दबाव है कि वो ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। ये शासन जाने प्रशासन जाने, हम आंदोलन में हैं, चाहे 6 महीने हो जाए, चाहे किसी वकील की कुर्बानी देनी पड़े, अगर कुर्बानी देने की जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहला शीस मेरा होगा, लेकिन हम झुकेंगे नहीं, इसका ट्रांसफर करा के छोड़ेंगे। 6 महीने चले ऐसे तहसीलदार कितने आए और कितने गए, अब तो इसका हमारे पास ऐसे सबूत है कि हम इसको टर्मिनेट करा सकते हैं और FIR भी कराएंगे, FIR भी करा देंगे, इसको जेल भी भिजवा देंगे। ये ना समझे कि तहसील स्तर के वकील हैं, हमारे पास इंटरनेशनल जो है संगठन है, इनको बता दीजिए तहसीलदार को या तो स्वयं छोड़ जाए नहीं तो और भी व्यवस्था है ऐसी, इनको जाना पड़ेगा यहाँ से। सर, ये वकीलों का जो धरना प्रदर्शन चल रहा है पिछले 13 दिनों से, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, क्या मामला है? ये गलत काम करने के लिए नाजायज दबाव बनाते रहते हैं। एक पत्रावली है जिसमें अधिवक्ता स्वयं शामिल है, वो जानते हैं कि ये फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी है, अपंजीकृत है, वो यहाँ का रहने वाला भी बंदा नहीं है जिसके नाम से इन्होंने दाखिल खारिज करा लिया है। उस पत्रावली को लेकर इन्होंने विवाद शुरू किया है और जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो स्वयं अपने को जानते हैं कि वो कितने बड़े शुद्ध और ईमानदार हैं। वो स्वयं देखें कि जो आरोप लगा रहे हैं वो 307 के मुलजिम भी हैं, काले तेल का व्यापार भी करते हैं, इसी तरह मेरे को न्यायिक कार्य में लगातार बाधाएं उत्पन्न पैदा कर रहे हैं। मैं ऑफिस में जाता हूँ तो गाली गलौज करते हैं, बैठ के अनियमित रूप से, कभी न कोई अनुमति ली गई तहसील में ज़बरदस्ती इन्होंने बिस्तर डाल दिया है, वहाँ पे बैठ के समोसे खाते हैं, गाने बजाते हैं और हड़ताल का रूप देते हैं कि हम हड़ताल पर हैं, और कोई अगर वादकारी आए तो उसको ज़बरदस्ती बुलाकर उस फर्ज पे बैठा लेते हैं, चाहे वो बैठना चाहे या नहीं। कुछ सीनियर अधिवक्ता हैं जो बेचारे नहीं बैठना चाहते, उनको भी बैठा लेते हैं। ऐसे केवल अमुक 8 या 10 अधिवक्ता हैं, बाकी 290 अधिवक्ता कार्य करना चाहते हैं। दूसरी बार ने लिख के भी दे दिया है कि हम कार्य करेंगे, लेकिन उनको भी कार्य नहीं करने देते। ये 8-10 अधिवक्ताओं ने अपनी मोनोपोली बना लिया कि कोर्ट करोगे तो हमारे हिसाब से आदेश होंगे, जो कि संभव नहीं है। न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत सभी को न्याय मिलना चाहिए, जिसके लिए हमको पद पर आसीन किया जाता है, लेकिन 8-10 अधिवक्ता ऐसे हैं
इन्होंने अपनी मोनोपोली बना ली है कि लोन की फाइल करोगे, धारा 98 की पहले करा लेते थे बिना अनुमति के, वो SC2 जनरल वो करोगे। मैंने कई साक्ष्य भी दिए हैं कि इन्होंने द्वारा क्या क्या गलत काम कराए गए हैं। ये गलत काम कराने के लिए, दबाव बनाने के लिए हड़ताल की गई और केवल 8 या 10 लोग हैं इसमें शामिल, बाकी 290 अधिवक्ता मेरी तरफ है। और बेचारे कोर्ट भी करना चाह रहे हैं, सभी अच्छे अधिवक्ता हैं, इन 10 अधिवक्ताओं की वजह से बार का सम्मान गिर रहा है। सर बार बार ये आती है कि आप कोर्ट नहीं करते, और मैं डेली बैठना चाहता हूँ, पूर्व में भी बैठता था, लेकिन ये दबाव बनाकर 8-10 लोग असंसदीय भाषा का भी प्रयोग करते हैं, माइक पर सभी ने सुना है, पब्लिक ने सुना है, एक अधिकारी को गाली देना ये किस उसके कार्यशैली में आता है। एक अधिवक्ता जो इसमें बता रहे थे कि ऐसे ऐसे बाउंसर भी आपने जो बुलाए, मेरे द्वारा कोई बाउंसर नहीं, बाउंसर भी इन्होंने ही बुलाए थे और मेरे को बदनाम करने के लिए, कभी मेरी फर्जी ऑडियो बनाते हैं, कभी बाउंसर का आरोप लगाते हैं, कभी महिलाओं का आरोप लगाते हैं, खुद ही बुलाते हैं और खुद ही मुझ पर आरोप लगाते हैं। वो इसलिए कि मेरे द्वारा कोई गलत काम ना किया जाता है ना किया जाएगा, ये नियम विरुद्ध कार्य कराना चाहते हैं जो मेरे स्तर से कदापि संभव नहीं है। पूर्व अधिकारी को दबाव में लेकर इनके द्वारा कई अनियमित नियम विरुद्ध कार्य कराए हैं, जिनका मैंने कॉपी भी माननीय मीडिया को दिया है, माननीय अधिकारियों को भी भेजा है और सभी के संज्ञान में है कि इनके द्वारा क्या क्या गलत काम कराए गए हैं। ये जानबूझकर झूठे आरोप लगा रहे हैं, इन पर आज तक सिद्ध नहीं हुआ कि मेरे द्वारा ये गलत काम किया गया है। और जो ये कह रहे हैं भ्रष्टाचार की, वो अपने में झांक कर देखें। एक ईमानदार आदमी पर आरोप लगाने से पहले कि आप कितने स्वच्छ हैं, आपके क्या कार्यशैली है, 307 आपके ऊपर दर्ज है, आप काले तेल का भी कार्य कर रहे हैं, आप गाली बक रहे हैं बैठ के यहाँ पब्लिक में मेरे को, ये एक विद्वान अधिवक्ता कर्तव्य नहीं है। विद्वान अधिवक्ता इस तरह नहीं गाली बकते किसी व्यक्ति विशेष के नाम लेकर, ये तहसीलदार से नहीं व्यक्ति विशेष का नाम लेकर गाली बकते हैं, ये अच्छा नहीं है, शोभनीय नहीं है। एक अधिवक्ता विद्वान अधिवक्ता को शोभा नहीं देता। प्राइवेट कर्मचारी को लेकर ये कुछ प्राइवेट कर्मचारी मेरे टाइम से नहीं है, वो पहले से कार्यरत थे और इन्हीं लोगों ने रखवाए थे, जिसमें कुछ अधिवक्ता के रिश्तेदार हैं, उनको मेरे द्वारा निकाला गया, उसका भी इन लोगों ने ऐतराज किया गया कि हमारा भतीजा है, हमारा ये है। ये अधिवक्ताओं ने अपने रोग रख रखे हैं, जिनको मैं 2 बार निकाल चुका हूँ।